بسم الله الرحمن الرحيم. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम ISO इमेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और जो ISO इमेज हमने क्रिएट किया है उसको वापस हम वहां से फाइलें कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो उसके लिए जिस सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत है वो इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं. जो मैं यूज कर रहा हूं रिकमेंड करूंगा आपको जो फ्री सॉफ्टवेयर है JHOSoft ISO Maker, उसका लिंक मैंने ऑलरेडी ओपन किया है. यहां पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री है और मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया है. तो मैं उस सॉफ्टवेयर को यहाँ से चलाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ ताकि आप इजीली इसको चला सकें. यहाँ से यस करें, यस करने के बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट करने के बाद दोबारा नेक्स्ट, नेक्स्ट टेक्स्ट आइकन और इंस्टॉल पर क्लिक कर दें और ये आपका सॉफ्टवेयर आ गया. बहुत ही स्मॉल सा सॉफ्टवेयर है, इजीली इंस्टॉल हो जाता है और आप इस पर वर्किंग भी बहुत आसान है. तो इस सॉफ्टवेयर को चलाते हैं जी. अब चूँकि ये कह रहे हैं कि जिन हो सॉफ्ट ISO Maker फ्री ऑफ चार्ज फॉर पर्सनल यूज, तो कमर्शियल यूज़ के लिए आपको लाइसेंस खरीदना है. हम इसको पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं. तो चलिए जी, हम सबसे पहले तो मैं आपको ISO इमेज जो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. उसके बाद उसको दोबारा हम ISO इमेज बनाएंगे. ये कह रहे हैं प्लीज लोड योर ISO फाइल. तो हम यहाँ से लोड ISO पे जाके अपने इमेज को लोड करते हैं. ये विंडोज 7 प्रोफेशनल 64-bit ISO ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, इसको हम ओपन करते हैं. ये वो फाइल्स हैं जो एक्सट्रैक्ट होने के बाद आती हैं. तो हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट ISO पे क्लिक करेंगे. अब ये कह रहे हैं कि आपने कहाँ सेव करना है. मैं इसको नाम दे देता हूँ विन 7 ISO एक्सट्रैक्ट फाइल्स. यहाँ पे एक सॉरी फोल्डर क्रिएट करते हैं विन 7 फाइल्स के नाम से सॉफ्टवेयर, इसको ओपन करते हैं और ये सिंपल और इस नाम से हम इसको कर देते हैं. प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट, वेट करते हैं जब तक ये अपने प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. बहुत ही ईजी ये काम है और ये सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ कर रहे हैं. ISO इमेज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? ISO इमेज की हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब हमने अपनी USB को बूटेबल बनाना हो या हमने CD को बूटेबल डिस्क बनाना हो, उसके लिए हमें ISO इमेज की ज़रूरत पड़ती है. इसके अलावा अगर हमें बहुत सारी फाइल्स हैं उसको कहीं हमने ऑनलाइन भेजना है तो हम सारी फाइल्स को एट ए टाइम नहीं भेज सकते. इसके लिए हम उसको कन्वर्ट करते हैं ISO इमेज में, उसके बाद ये भेजना बहुत आसान हो जाता है. चूँकि ISO एक्सटेंशन के अलावा आप कोई भी ऐसी एक्सटेंशन नहीं है जो आपको बूटेबल USB या CD या DVD डिस्क में बनाने के लिए आपको वो अलाउ करते हैं, इसलिए ISO ही प्रेफर किया जाता है, इसी को यूज़ किया जाता है. ओपन फोल्डर हम चेक करते हैं क्या है. अच्छा, ये ओपन नहीं करेगा जब तक ये प्रोसेस अपना कंप्लीट नहीं कर लेंगे. ये देखें जी, फाइल्स एक्सट्रैक्ट कुछ हो गया और कुछ उम्मीद है कि हो रही है. इसके बाद हम इन्हीं फाइल्स को यूज़ करते हुए उसका ISO इमेज क्रिएट करेंगे. लें जी, फाइल्स जो थी वो लोड हो चुकी हैं और कंप्लीट हो गया प्रोसेस. जैसे प्रोसेस कंप्लीट हुआ इसने हमें
नगर पेज ओपन करके उसमें डिटेल दिखा दी है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम इसको दोबारा क्लोज करते हैं और हम जाके चेक करते हैं कि आया ये हमारे फोल्डर में सारी फाइल्स आ चुकी हैं। विन सेवन फाइल्स के नाम से हमने फोल्डर क्रिएट किया था, ये आप देख सकते हैं। इसको ओपन करते हैं, ये देखेंगे उसने फाइल सारी जो एक्सट्रैक्ट करके हमें दिखा दी। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं फाइल्स को यूज़ करते हैं और आईएसओ इमेज क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आ जाएँ आईएसओ क्रिएटर में। अब ये कह रहे हैं ऐड फोल्डर, तो यहाँ पे हम दोबारा उसी लोकेशन पे जाते हैं, विन सेवन फाइल्स के फोल्डर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। वेट अ मोमेंट, अब यहाँ पे इसने फोल्डर को यहाँ पे कर दिए, इम्बेंड कर दिए। अब हम इसको यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करते हैं, इसका नाम देते हैं जी न्यू इमेज। इसको हम पाथ देते हैं न्यू इमेज, यहाँ पे जाके इसको हम सेव करवाते हैं। ये जी इसने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और जब ये थोड़ा सा रिमेनिंग रह जाएगा फिर मैं इसको दोबारा स्टार्ट कर दूँगा। यहीं से यहाँ इसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद इसने दोबारा जो है पेज पर हमें इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दी है कि आपका इमेज क्रिएट हो चुका है। ये देखें जी क्रिएट आईएसओ फाइल, ये इसने एक्शन दिखाया है हमें और स्टेट इसका आगे कंप्लीट। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको दोबारा क्लोज करते हैं और अपनी लोकेशन पे जाके चेक करते हैं कि क्या हमारा इमेज हमें मिल चुके हैं। न्यू इमेज में हमने फाइल को सेव करवाया था, इसको ओपन करते हैं और ये देखेंगे आप न्यू इमेज सेवन एस एम एच क्रिएट हो चुका है। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी यूएसबी को बूटेबल बनाने के लिए, अपने सीडी को बर्न करने के लिए और उसको बूटेबल बनाने के लिए और बहुत से अपनी और फाइलों को इमेज में क्रिएट करने के लिए या उन फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो हमारे इस यूट्यूब पे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखते जाएं और आईटी मास्टर बनते जाएं। बहुत शुक्रिया।